लिखो, बचपन से अब तक गंगा महिमा सबने सुनी होगी। घर घर में गंगा जल का होने से लेकर हर अवसर पर उसका उपयोग देखा होगा। इस जल की गुणवत्ता के बारे में जैसे सबको मालूम है कि चाहे जितना पुराना हो जाए इसमें कीड़े नहीं पड़ते। कोई इस महान नदी का धार्मिक महत्व माने या ना माने, लेकिन यह हर एक को आकर्षित करती है। यही वजह है कि मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां के बारे में कहा जाता है कि प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे। फिर क्या वजह है कि इस नदी की साफ सफाई के प्रति हम इतने लापरवाह हैं? हाल ही में उत्तराखंड में जो दिखा वह तकलीफ देह था। गंगा के किनारे कितने बड़े बड़े कूड़े के ढेर, आखिर हमारे और बेशुमार सैलानियों के ही तो लगाए होते हैं। कूड़ा हम फैलाएं और साफ कोई और करे, यही भावना तो है कि हम अपने फैलाए कूड़े के बारे में जरा से भी चिंतित नहीं होते। जो खाया उसका पेपर यानी खाली प्लास्टिक की थैली सड़क पर फेंक दिया, अब करता रहेगा कोई और साफ। गंदगी की निंदा तो हम सब करते हैं, लेकिन उसे दूर करने में क्या योगदान देते हैं? दशकों से गंगा के प्रदूषित होने और उसकी सफाई की योजना पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। अलग से मंत्रालय भी हैं, वहाँ से बताया जाता रहता है कि गंगा साफ हो रही है, मगर ज़मीन पर देखा जाए तो शायद ही कहीं ऐसा नज़र आता है। यहाँ तक कि दूर दराज के यमुनोत्री जैसे इलाकों में भी यात्री इतना कूड़ा छोड़कर जाते हैं कि उसका निपटारा मुश्किल से हो पाता है। इस अनोखी नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वे भी बिना किसी जिम्मेदारी के अपना सारा कूड़ा करकट
इस नदी में प्रभावित करते रहते हैं। स्टॉप।